punta me ese el royal para formar. Y yo hablaré guía a poco el cuerpo. Ahora, yo llevo la punta que va para y el duaje va a hablar con Tafián, el valle, el cuerpo del valle, Hazrat Ali de mi habitario para el salam. शाबाशी तो यहां ऊपर जो चीज जो तरबियत का एक घोषा है
यानी जनाबे जहरा बताना चाहती हैं कि देखो किस तरीके से अगर तुम्हारे बच्चे मजलिस में जाए, महफिल में जाए, जुमे में जाए, घर से बाहर जाए, कहीं किसी मकाम के ऊपर, स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में, मकतब में, कहीं के ऊपर भी जाते हैं, वापस आए तो कम से कम उनसे पूछो, उनसे मालूम तो करो तुम कहाँ गए थे, स्कूल का टाइम इतने बजे से इतने बजे तक है, ये एक घंटा तुम्हारा ज्यादा कैसे हुआ, तुम एक घंटा कहाँ थे, स्कूल तो 8 बजे से, तुम 7 बजे क्यों जा रहे हो, क्या काम है, या अगर वापस आए मजलिस, अगर तुम मजलिस में थे तो बताओ मजलिस में आज साकिब ने क्या पढ़ा, बताओ आज तुम जुमे में गए थे आज क्या खुतबा दिया, आज तुम फला महफिल में गए थे आज शायर ने क्या बयान किया, किस इमाम के कसीदा पढ़ा। अगर इस तरीके से वाकई माए अपने बच्चों की तरबियत करें कि जब भी बच्चा घर से बाहर जाए और वापस आए तो कम से कम उससे सवाल करो, पूछो, मालूम करो, बेटा कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, तुमने क्या देखा, तुमने क्या सुना, कहाँ थे, अगर मजलिस में गए थे तो किसके मसाइल पढ़े गए, किसके मसाइल बयान हुए, अगर तुम खुतबे में थे तो आज क्या मसला बयान हुआ, आज किस तरफ रोशनी डाली गई, वगैरह वगैरह। अगर इस तरीके से कौम की माए अमल करेंगी तो यकीनन समाज इस्लामी समाज होगा। क्यों? इसलिए कि बच्चे सुधर जाएंगे, और जब बच्चे सुधर जाएंगे तो समाज सुधर जाएगा, माशरा सुधर जाएगा। इसलिए कि जो आज बच्चे हैं कल यही नौजवान होंगे, कल यही जवान होंगे, कल यही हमारा मुस्तकबिल होंगे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इस सिलसिले में एक चीज और अर्ज करना है कि बच्चों के ऊपर मां बाप के सिलसिले में या मां बाप की जिंदगी में होने वाले वाकयात और हालात का असर, वो कितना असर को कबूल करते हैं, यह चीज अगर आपको देखना है तो जनाब साहब की जिंदगी से मिलेगी आपको, कि अगर बचपन में जो चीज देखी है या सुनी है उसका असर बच्चे कैसे कबूल करते हैं। आम तौर से आम हालात में, आम जिंदगी में, जो आम तौर से इंसान घर में अमल अंजाम देता है या जो कुछ करता है, जो कहता है, उसका भी असर बच्चे के ऊपर होता है, चाहे वो इंफरादी जिंदगी हो या समाजी जिंदगी हो। इससे हट के दीनी और मजहबी जिंदगी, इस दीनी और मजहबी जिंदगी में भी बच्चे जो कुछ मां बाप को करते देखते हैं, कहते सुनते हैं, वो सारे असरात, आप इसको बच्चा ना समझिए, ये बच्चा नहीं, ये कैमरा है जो आपके ऊपर लगा हुआ है, ये बच्ची नहीं है, ये 2 साल का बच्चा ना समझिए, इसको 3 साल का बच्चा ना समझिए, ये 4 साल का बच्चा ना समझिए, बल्कि ये कैमरा है जो आपके ऊपर लगा हुआ है। अगर आपने जरा भी लापरवाही बरती तो फिर ये बड़ा होके वही मूवी दिखाएगा जो आपने बचपन में इसको दिखाई है, जो बचपन में आपने इसको मूवी दिखाई है ये वही मूवी दिखाएगा। लिहाजा इसको बच्चा ना समझे, घर में आप जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ कह रहे हो, ये कैश कर रहा है, इसका जहन कैश कर रहा है, वही तस्वीर, वही अंदाज, वही बोलचाल, वही सलीका, वही तरीका, वही अखलाक, वही सब कुछ ये देख रहा है, ये कैश कर रहा है। अब जैसे जैसे बड़ा होता है, बड़े होने के बाद जो कुछ इसने बचपन में देखा है अब उसी को ये करता है, वैसे ही करता है कि जैसे इसने अपने बड़ों को, चाहे वो मां बाप हो या चचा बाबा हो या जो भी बुजुर्ग इसके घर में या अतराफ में खानदान में है, जो कुछ घर में करते देखा है, खानदान में होते देखा है, बड़ा होने के बाद ये वही करता है और वही होता है इससे, और वही अंदाज और वही अखलाक इख्तियार करता है।
कमाल है वाकिया सारी जहरा जनाब जैनब कुबरा का। जनाब जैनब का जो सिम जनाब जहरा की शहादत के वक्त रवायतों में है उसके लिहाज से ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 साल, इससे ज्यादा के नहीं की जनाब जैनब 6 साल या 7 साल वक्त शहादत जनाब जहरा। जनाब जैनब की जो उम्र है वो 6 साल या 7 साल, इससे ज्यादा नहीं है। इस 6 और 7 साल की उम्र में जनाब जैनब ने जो हालात देखे हैं, जो वाकयात देखे हैं, उनको कैसे आपने खुद अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाया, चाहे वो नाना की जिंदगी जो मुख्तसर सी आपके सामने रही और चाहे मां की वो हयात और चाहे बाबा की जिंदगी, इन तमाम चीजों को बहुत करीब से बहुत नजदीक से जनाब जहरा ने जनाब जैनब ने देखा और ये सारी चीजें खुद वापस जनाब जैनब की जिंदगी में आई है। रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद सबसे बड़ा जो मसला था वो था विलायत और इमामत का दिफा और लोगों को इस विलायत और इमामत से आशना और आगाह करना। जो काम जनाब जहरा ने अपनी हयात में अंजाम दिया और सानिया जहरा ने अपनी हयात में, जनाब जहरा ने कैसे अपनी हयात में इसे अंजाम दिया, अब मुसलसल आपने 20 दिन तकरीबन 22 दिन हो गए और मुसलसल आप सुनते आए हैं कि बाप का इंतकाल हुआ और बाप के इंतकाल के बाद जितने भी मसाइल थे और जितनी भी मुसीबतें जनाब जहरा पे किस लिए थी, किस बुनियाद पे थी कि रसूलुल्लाह की बेटी है, अली की सौजा है, हसन हुसैन की मां है, किस वजह से थी, बाद फिलो किनका है, किस वजह से थी। जो भी जहरा पे मसाइब आए हैं जनाब जहरा ने जो मसाइब बर्दाश्त किए हैं और जो भी मसालिम हुए हैं ये सारे मसालिम विलायत और इमामत के दिफा में थे। सारे मसालिम जनाब जहरा पे उठाए गए हैं ये सब के सब विलायत और इमामत के दिफा में। अगर जनाब जहरा मौला अबुल मोमिन के दरवाजे पे आए थे, अच्छा क्या है काली को ले जाना, ठीक है ले जाओ, कोई दरवाजे पे आग लगाता, कोई दरवाजा गिराता, पहलू शिकस्ता होता, मोहसिन शहीद होते, ये सारे चीजें क्यों थी, बाद होता कुछ ना होता, सिर्फ किस लिए, ये सारे मजालिम थे विलायत और इमामत के की वजह से। और ये जनाब जहरा ने जो कुछ बर्दाश्त किया है ये सिर्फ विलायत और इमामत के दिफा में बर्दाश्त किया है कि अगर दरवाजा जलता है तो जल जाएगा, अगर दरवाजा पहलू में गिरता है तो गिर जाए, अगर मेरा बच्चा शहीद होता है तो शहीद हो जाए, अगर मुझे दरबार में आके खुतबा देना पड़ता है देना पड़े, लेकिन किस हक से मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो विलायत का दिफा है, इस विलायत के दिफा में आपने सब कुछ कबूल किया, सब कुछ कबूल किया है। अब आइए सानिया जहरा की तरफ। जनाब जैनब बहुत छोटी थी और जनाब जैनब ने उस बचपन में सिर्फ सुना ही नहीं अपनी आंखों से देखा है, देखा कि अभी नाना का इंतकाल हुआ और नाना के इंतकाल के बाद इन्होंने क्या किया, मेरी मां को तसल्ली और दिला
भी शिकस्ता कर दिया, इन्होंने मेरी मां को उनके हक से महरूम कर दिया, इन्होंने मेरे बाबा के गले में रस्सी का फंदा डाला। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद मेरी मां हक के दिफा से पीछे नहीं हटी और हक का दिफा करती रही। बस अजीदार मोहतरम, जो दर्स ज़ैनब ने इस नहायत ही बचपन में लिया था, इसी को अमली जामा पहनाया है मदीने से लेकर करबला तक और करबला से लेकर शाम तक और शाम से लेकर मदीने वापस होने तक। इसी वजह से आपका जो लकब है सानिय जहरा, ज़ैनब सानिय जहरा, सानिय जहरा किस लिहाज से? इसी लिहाज से कि जिस तरीके से इमामत और विलायत के दिफा में जनाब ज़हरा ने सब कुछ बर्दाश्त कर दिया, लेकिन विलायत और इमामत के दिफा से पीछे नहीं हटी, उसी तरीके से सानिय ज़हरा ने विलायत और इमामत के दिफा में सब कुछ कबूल किया, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन इमामत और विलायत के दिफा से पीछे नहीं हटी है। जनाब ज़ैनब जब मदीने से गई है, क्योंकि जनाब ज़ैनब को पता नहीं था, मैं इससे तब इन मजलिसों में आपकी खिदमत पर अर्ज कर चुका हूं कि मदीने से जब काफिला चला है तो इमाम हुसैन ने किसी को भी अंधेरे में नहीं रखा था, सबको बता दिया था, सबको आगाह कर दिया था कि देखो हम, हमारा मकसद क्या है, हम कहां जाए, हमको जाना है, हमारी मंजिल क्या है, इस रास्ते में सख्तियां हैं, तकलीफें हैं, फाके हैं, भूख है, प्यास है, ऐदोबन की जिंदगी है, तीर है, तलवारें हैं, नैजे हैं, अगर तुम कबूल करते हो बिस्मिल्लाह हमारे साथ। यहां तक के आपने उस छह दिन के अली असगर को बता दिया था, अगर अली असगर को न बताया होता तो अली असगर साथ न आते, अली असगर साथ आए ही इसीलिए कि इमाम हुसैन ने बता दिया था कि करबला में देखो ये भी होगा। लिहाजा उमर के जनाबे अली असगर मां की आगोश से, सुगरा की आगोश से और बाबा की आगोश में आ गए। तो छह दिन के अली असगर को भी मां ने बता दिया था कि देखो हमारा मकसद क्या, हम कहां जा रहे हैं, तो सबको पता था, लेकिन इसके बावजूद सब चले। अब करबला में जो चीज आज की तारीख की मुनासिबत से आपकी खिदमत में पेश करना है, यानी जनाब ज़ैनब की कुर्बानी और जनाब ज़ैनब का इमामत और विलायत का दिफा, कमाल से आखिर जनाब ज़ैनब ने जो कुर्बानी दी है और जिस ईसार का मुजाहरा किया उसका जवाब नहीं है। इसलिए कि जनाब ज़ैनब के ऊपर कई तरीके की जिम्मेदारियां थी, कई तरीके की जिम्मेदारियां थी, करबला में और बहुत सी खवातीन थी, लेकिन उनके ऊपर जो जवाबदारी, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, वो सिर्फ उनके बेटे की हैसियत से या खुद उनका अपनी जात के लिए थी। जनाब ज़ैनब के ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो सबकी निस्बत थी, हर खातून की निस्बत, हर बच्चे की निस्बत, हर फर्द की निस्बत जनाब ज़ैनब के ऊपर जिम्मेदारी थी। और यही वजह है कि जनाब ज़ैनब एक एक के ऊपर नजर रखे हुए थी और अपनी प्यास को भूले हुए थी, अपनी भूख को भूले हुए थी। शबे आशूर का वाकया सुना हुआ आपको, यकीनन आज शहादत की तारीख है, मसायब का एक गोशा भी है। जनाब सकीना कहती है कि शबे आशूर तकरीबन 17 बच्चे मुझे घेरे हुए थे जिनके हाथों में खाली कूजे थे, अलदश अलदश की सदाएं बुलंद कर रहे थे। मैंने कहा बच्चों पानी तो है नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए चलो हम चलते और एक एक खैमे को देखते हैं। जनाब सकीना खुद नाकिल है, साहेब ज़िन्दे हसीन ने अपनी किताब में लिखा कि जनाब सकीना आगे आगे और बच्चे पीछे पीछे।
پیچھے پیچھے سب کے ہاتھوں میں خالی کوزے تھے, سدائے بلند کر رہے تھے. جناب سکینہ اپنے خیمے سے نکل کے گئی حبیب کے خیمے میں, پانی نہیں ملا حبیب, پانی نہیں, پانی نہیں. زہیر کے خیمے میں پانی نہیں ملا, سعید کے خیمے میں پانی نہیں ملا, یہاں تک کہ جناب علی اکبر کے خیمے میں آئی, پانی نہیں ملا. چچا عباس کے خیمے میں نہیں, پانی نہیں ملا. ان بچوں کو لیے ہوئے بابا کے خیمے میں آئے, بابا پانی, پانی نہیں ملا. اب جب سب کے خیموں میں ہو چکی تو اب خواتین خیموں کا رخ کیا, اور ایک بٹوا جناب سکینہ ان بچوں کو لیے ہوئے اپنے ماں رباب کے خیمے میں, پانی نہیں ملا. ام لیلہ کے خیمے میں نہیں, پانی نہیں ملا. ام کلثوم کے خیمے میں آئی, پانی نہیں ملا. جناب سکینہ فرماتی ہے کہ سب سے آخر میں میں اپنی پھوپھی زینب کے خیمے میں گئی, سب سے آخر میں اپنی پھوپھی زینب کے خیمے میں گئی. ہر خیمے میں پردہ اٹھانے کے بعد میں نے پانی کا مطالبہ کیا, لیکن پھوپھی کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہی میں نے پانی نہیں مانگا. اس لیے جو منظر میں نے دیکھا, میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی اما کے ہاتھوں پر میرا 6 مہینے کا بھیا ہے, میری پھوپھی اما کے ہاتھوں پر میرا 6 مہینے کا بھیا, اور میری پھوپھی اما بے قراری کے عالم میں پیاس برداشت کرنے کے لیے ہاتھ رکھتی, اور نفس کے اوپر ہاتھ
कई बच्चा प्यास की वजह से मर तो गया, बच्चा कई प्यास की वजह से मर तो नहीं गया। जज़ाकुल्लाह खैर जज़ा। अज़ादारो, यहां तक के जिस वक्त तमाम अस्हाब शहीद हो गए हैं और गोद के पालों की बारी आई है, तो क्या कहना जनाब ज़ैनब के किरदार का, इन गोद के पालों में भी जो भी गया है उसने इसरार किया है आपके जनाब ज़ैनब की खिदमत में। टूपी अम्मा, अम्मा इजाजत दीजिए, बाबा अकेले, चचा अकेले, आका अकेले, मामू अकेले, बताने के बाद इजाजत मांगते हैं और जनाब ज़ैनब एक एक को इजाजत दे रही है और खैमे से रुख्सत कर रही है, खैमे से रुख्सत कर रही है। जनाब ज़ैनब का आशूर के दिन का किरदार, यहां तक के जब सबको रुख्सत कर चुकी और जिस वक्त जनाब अली अकबर की बारी आई है, जनाब अली अकबर की बारी आई तो ज़ैनब ने नसीब अकरीम जुमला कहा मेरे लाल, क्या 18 साल इसी दिन के लिए, 18 साल इसी दिन के लिए पाला था मेरे लाल, लेकिन कहीं जाओ तुम भी जाओ, अल्लाह अकबर, अली अकबर जैसे बेटे को मैदान में भेज रहा है और वापिस कहना कि ज़ैनब का शिकर है, ये ज़ैनब का शिकर है। जवाब ने कहा खुदा हाफिज, क्यों इमामत के दिफा में, रिवायत के दिफा में, हुसैन सिर्फ भाई नहीं है पर इमाम वक्त है, इमाम वक्त की हिफाजत और नुसरत वाजिब है। जवाब ने कहा खुदा हाफिज, जनाब अली अकबर को भेज दिया। एक और मौका जनाब ज़ैनब के लिए बहुत सख्त था, रवायतों में कि जिस वक्त अब्बास रुख्सत होने लगे जनाब ज़ैनब ने रोक लिया, चलते चलते जनाब ज़ैनब ने रोक लिया, तो भैया अब्बास मेरे बाबा ने सच कहा था, हल्का बना ले, आप इस हल्के में आ जाए, इमाम हल्के में आए,
اللہ خیر الجزا آج ساری زہرہ کی شرکت کر دی رول اور کرسا دے لو اب ایمان تو میدان میں چلے گئے ایمان تو میدان میں چلے گا اللہ اکبر زہرہ امامت اور ولایت کے دفاع میں دربار میں آئی جب زہرہ علی کے گلے میں رسی کا پتہ ڈالا گیا ہے اور جیسی زہرہ کھڑی ہوئی ہے سوال کیا علی کہاں ہے پتہ چلا کہ رسی ڈال کے مسجد کی طرف لے گئے زہرہ اپنا غم بھول گئی علی کے پیچھے پیچھے چلی علی کو چھوڑ دو آج زہرہ کا کردار دیکھو جیسی زہرہ کو پتہ چلا کہ بھائی گھوڑے میں ہے Yeah.
इलाही जिक्र को की बारगाह में कबूल फरमा अल्लाह आमीन। महबूब गुनाहों को माफ फरमा अल्लाह आमीन। हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा अल्लाह आमीन। बार इलाहा मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा अल्लाह आमीन। सीरिया और सऊदीया और इराक और दीगर मकामात पर जो रोजे मुनदिम किए गए महबूब की तामीर के असबाब फराहम फरमा अल्लाह आमीन। जिन मलूनों ने रोजों को मुनदिम किया उनको दुनिया और आखिरत में जलील और खार फरमा अल्लाह आमीन। बार इलाहा जनाब ज़ैनब और जनाब सकीना के रोजों को और हलब और रक्ता के असहाब के और इन अहले बैत के निशानात और मकामात की हिफाजत फरमा अल्लाह आमीन। महबूब इन मुदाफियान हरम की जिन्हों ने इन हरम की हिफाजत में अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया है महबूब इन सब को शहदाए करबला अलैहिस्सलाम के जवार में जगह अता फरमा इनके दर्जात को बुलंद फरमा खुसूसन शहीद कासिम सुलेमानी और शहीद अबू मेहदी मुहंदिस उनके साथ के दूसरे रफका जिन्होंने इन्हीं हरम की हिफाजत में अपनी जानों का नजराना पेश किया इनके दर्जात को बुलंद फरमा वार इलाहा परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा परचम कुफ्र और निफाक को सर नगू फरमा दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान तशय्य अमरीका इसराइल और आल सऊद और इनके तमाम हमनवाओं को जलील खार और नीस और नाबूद फरमा इन सब को इन्हीं की चालों इन्हीं की मक्कारियों में गिरफ्तार फरमा वार इलाहा जो मोमिनी मरीज और को शिफा अता फरमा जो दुनिया से रुखसत हो चुके उनकी मगफरत फरमा माबूद आखिरत में इन्हीं शुहदाए करबला अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब फरमा मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा हम सब को इमाम के गुलामों और इनके नासरों में शुमार फरमा हम सब की तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमा व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ